हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने टीवी ओडिशा। फ्रेंड्स, आपण मानक पई रहिचे गोटे गुड न्यूज जे शिक्षा सहायक नियुक्ति बाहरची कंधमाल जिला तरफरु। तो फ्रेंड्स, एथिपई कौन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिचे आउ केबे टू आवेदन करिपारिबे, लास्ट डेट केबे, किपरि आवेदन करिबे, से समस्त डिटेल्स एई वीडियो माध्यम रे आपण माने पाई पारिबे। जदि आपण मानको वीडियो भल लागे ताहाले निश्चय गोटे लाइक करंतु एवं अधिकारु अधिक कृपया संगे साथी मानको शेयर करंतु। हां फ्रेंड्स, जो माने आम चैनल रे नुवा आछन किबा सब्सक्राइब करन हते कृपया आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आउ किछ लेटेस्ट वीडियो रे अपडेट पाइबा पई बेल आइकन को क्लिक करंतु। तो फ्रेंड्स, देखि नियंतु ए वीडियो टी। शिक्षा सहायक नियुक्ति बाहरी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट 2019 रे तो टोटल पोस्ट रही 72 पोस्ट। क्यों कैटेगोरी केतोटी पोस्ट रही क्यों क्वालिफिकेशन केतोटी पोस्ट रही डिटेल्स देखने वा। तो फ्रेंड्स, प्रथम देखने तो प्लस टू साइंस जो मैंने पढ़ी से मानी रही 12 पोस्ट, से यूआर पर 8, एसटी गोटे और एससी 3 पोस्ट रही। तापर देखने प्लस टू आर्ट्स जो मैंने करते 12 पोस्ट, से यूआर पर 8, एसटी गोटे, एससी 2 एवं एससीबीसी रही गोटे, यही टोटल 12 पोस्ट। तापर बीएससी बीड जो मैंने करते 22 पोस्ट। तो देखो यूआर पर रही 10, आउ एसटी 6, एससी 3, एससीबीसी 3, यही 22 पोस्ट। तापर देखने तो बीए बीड जो मैंने करते रही 26 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, देखो यूआर पर रही 16 पोस्ट, एसटी 8, आउ एससी 2 पोस्ट, यही टोटल 26 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, देखने तो यही टोटल 72 पोस्ट है। देखने हु कैन अप्लाई माने क्यों माने यहाँ आवेदन करेंगे। ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स माने ओडिशा रा समस्त प्रार्थी उभय महिला और पुरुष यहाँ आवेदन करेंगे। जॉब लोकेशन रहिबो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। तापर अप्लाई मोड होची ऑफलाइन, आपण माने स्पीड पोस्ट करी पठाई पारिबे किंबा रजिस्टर पोस्ट करी पठाई पारिबे। एप्लीकेशन फी कोनोसी नाही। तापर अप्लाई करिया पे लास्ट डेट रही 14/2/2019 एवं क्यों एड्रेस रे आपण पोस्टल क्यों पोस्टल एड्रेस रे आपण को पठाइबे तो ता पोस्टल एड्रेस मु एठी मेंशन करछि। तो फ्रेंड्स, देखंतु द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कंधमाल एसटी एंड एससी डिवीजन सेक्शन कलेक्ट्रेट कंधमाल पिनकोड 7620001 एही एड्रेस रे आपण सेंड करिवे। तापर देखने सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही। सिलेक्शन प्रोसेस रही मेरिट बेसिस रे माने आपणकर 10th 12th ग्रेजुएशन एवं बीएड रे जिते परसेंटेज आसी से सब काउंट करी परसेंटेज हिसाब रे आपन को सिलेक्शन करा दिबो। सैलरी रहउची पर मंथ 7400 टका मासकु। तापर एज होउची आपनकर 1/11/2018 सुधा आपनकर जो माने जनरल कैटेगरी अछंती से माने पई 18-35 वर्ष होइते दरकार। एससी एसटी एसीबीसी एवं ऑल कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिची 18-40 वर्ष एवं पीएच कैंडिडेट जो माने हैंडीकैप्ट रहिचंती से मानक पई रहिची 18-45 वर्ष मध्य बयस सीमा आवेदन करने। फ्रेंड्स, देखनी कौन क्वालिफिकेशन रही क्यों पोस्ट पर देखु प्लस टू आर्ट्स कॉमर्स एवं प्लस टू साइंस सिटी जो माने आवेदन करेंगे से मानी रही क्वालिफिकेशन प्लस टू पास करेंगे एटलिस्ट 50% मार्क रखिकी एवं ता सहित 2 वर्ष सिटी करेंगे किंबा प्लस टू पास करेंगे एटलिस्ट 50% मार्क रखिकी एवं ता सहित 2 वर्ष सिटी स्पेशल एजुकेशन करेंगे किंबा ग्रेजुएशन पास करेंगे एवं ता सहित 2 वर्ष सिटी करेंगे किंबा आपण सिटी स्पेशल एजुकेशन करेंगे 2 वर्ष एवं ता सहित ओटीटी निश्चित रूप पास करते दरकार। आपन को ओटीटी पेपर 1 क्लियर करते हैं आप आवेदन करें। ता सहित से कहे कैंडिडेट ओडिया जानते दरकार, सप्तम श्रेणी पर्यंत पास करते दरकार। यहाँ तो नॉर्मल रे समस्त ओडिया रे पढ़ुंत तो सप्तम श्रेणी पर्यंत पास कर। तो फ्रेंड्स, आउ सेमि किसी ये ना जो मैंने पास करेंगे से गोटे डिक्लेरेसन दे पड़े बीएससी तरफ एम ई स्टाणार्डर डिक्लेरेसन दे पड़ो। एवं देखने बीए बीड एम बीएससी बीड कौन क्वालिफिकेशन रही जो मैंने बीए बीडी एम बीएससी बीडी आवेदन करेंगे से मानी रही ग्रेजुएशन एटलिस्ट 50% मार्क रखी पास करेंगे एवं 1 वर्ष बीडी करेंगे 2 वर्षीय बीडी करते कि असुविधा ना। तापर दे ग्रेजुएशन पास करेंगे एटलिस्ट 50% मार्क रखिकी एवं ता सहित 1 ईयर बीडी स्पेशल एजुकेशन करते आप आवेदन करें। रही हायर सेकेंडरी प्लस टू पास करेंगे एवं ता सहित प्लस टू 50% मार्क रखिकी पास करेंगे एवं ता सहित 4 वर्ष बीए बीडी किंवा बीएससी बीडी करते आपदन करें। ता सहित से कही पास इन द ओडिशा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट ओटीटी पेपर 2 क्लीयर कर दरकार आपदन करेंगे। आउटे कैंडिडेट मस्ट हैव ओडिया एज एम आई एल अप टू 10th मैंने 10th पर्यंत आपड़ ओडिया पाठ पढ़ा दरकार आवेदन करेंगे।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ବା ଏସ୍ସିବିସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ 45% ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ବିଏ ବିଇଡ଼ି ବିଇଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି ବା ସିଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଟିଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ରହେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣ 10th 12th ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବିଇଡ଼ି ସିଟି ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଜେରକ୍ସ କପି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଓଟିଟି ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ 2ଟି ଫଟୋ ଦେବେ, ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ 2ଟି ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭଲପ୍ ଦେବେ, 2ଟା ଏନ୍ଭଲପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିକି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଓରିଜିନାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବୋଲି। ନୋଟାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବନେଇବେ, ତା'ର ଓରିଜିନାଲ କପି ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସିଟି ବିଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଟିଟି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜବ୍ ମିଳିବାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସିଟି ବିଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ବା ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଦେବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପିଏଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି PDF ଲିଙ୍କ୍ ଚାହୁଁଛୁ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ PDF ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।